वेलकम बैक टू माई YouTube चैनल यानी एक्शन गुरु पर। और मैं इस समय मौजूद हूँ टांडा ज़िले के घाघरा नदी के पुल के ऊपर, और मैं यहाँ से गुजर रहा था। और अक्सर यहाँ से जब मैं जाता हूँ तो यहाँ अगर मुझे चांस मिलता है रुकने का तो मैं रुक जाता हूँ। और ये है मेरी कार, और इस कार से मैं सफ़र कर रहा था, तो मैंने रिक्वेस्ट किया कि थोड़ा सा मुझे रोक दीजिए और मैं यहाँ एक दो शॉर्ट वीडियो बना लूँ, थोड़ा सा मैं ब्लॉगिंग कर लूँ। तो आइए मैं पीछे का दृश्य दिखाता हूँ जो आपको देखकर बहुत ही अच्छा लगेगा। ये 2.5 किलोमीटर लंबा पुल है और ये है घाघरा नदी। काफ़ी खूबसूरत नज़ारा आपको इस वीडियो में मिलेगा देखने को। और ये है घाघरा नदी, और जिसे ये सरयू नदी कहते हैं। और ये अयोध्या से होते हुए टांडा, और टांडा से हमारे ज़िले यानी आज़मगढ़ में भी ये बहती है। और आप देख सकते हैं कि ये वाकई में बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। और सामने आपको जो दिख रहा है वो है विद्युत, हैं हाँ, NTPC, ये NTPC है, नेशनल पावर, जो टांडा ज़िले में ही उपस्थित है। और यहाँ से अच्छा, ये पुल कितना लंबा होगा भैया? 2.5 किलोमीटर ना, ये लगभग 3 किलोमीटर लंबा पुल है। और ये यहाँ से तो मैं अच्छा खासा नज़ारा दिखा नहीं सकता, फिर भी नहीं देखा थी। ये है, आज हम उपस्थित हैं टांडा जिले में। और ये काफ़ी जो मार्ग आपको दिख रहा है, जो पुल आपको दिख रहा है, ये करीबन 3 किलोमीटर लंबा इसकी लंबाई है, लेंथ है। और मैं इस समय खड़ा हूँ उस पुल के ऊपर, और जिसके नीचे बहती है घाघरा नदी, जो अयोध्या से होते हुए टांडा, और टांडा से होते हुए जाती है हमारे ज़िले आजमगढ़ में। और काफ़ी खूबसूरत नज़ारा है, और शांतिप्रिय माहौल भी है यहाँ पे, जहाँ पे आप किसी प्रकार की साधना वगैरह आसानी से कर सकते हैं। और बहुत ही लाजवाब, और मैं इस दृश्य को ज़्यादा रूबरू आपसे नहीं करवा पाऊँगा, बस मैं इतना ही कह रहा हूँ कि बहुत ही अच्छा दृश्य है। मौका मिल गया है कि मैं उस दृश्य को आपको अच्छी तरीके से दिखा सकूं और इस जगह से रूबरू करवा सकूं। तो आइए मैं अब चल रहा हूं उस नदी के पास। ये मैं आ गया हूं सरयू नदी के किनारे, यानी घाघरा नदी के किनारे। और ये क्या कुछ कहें, शब्द नहीं मेरे पास हैं कि मैं क्या इसके बारे में चर्चा करूँ। और प्राकृतिक चीज़ें जितनी भी होती हैं ना, वो दिल को टच करती है कहीं ना कहीं। देखिए, हमने 2.5 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद इस किनारे पे हमने कदम रखा, और यहाँ से स्पष्ट रूप से तो नहीं, पर जितना भी हो सकता है मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इस चीज़ को मैं दिखाऊँ और दर्शाऊँ। यहाँ आप देख सकते हैं, और इस नदी से करीबन कई धाराएं कटकर ये अलग अलग बहती हैं। दिशा एक ही है लेकिन अलग अलग बहती हैं। करीबन मैं पांच तो देख ही चुका हूँ कि ये 5 तरीके से कटाव ली हैं, और ये इस वजह से इस पुल को काफ़ी लंबा चौड़ा बनाया गया। और लंबाई की मैं बात करूँ, जहाँ तक लेंथ की मैं बात करूँ, तो यहाँ इसकी लंबाई करीबन 3 किलोमीटर है। ये पानी है,
देखिए ये मैं यहाँ पर रील शूट करने के लिए आया था। मुझे लगा कि ये जो दृश्य है पीछे का मैं अपने ब्लॉगिंग में डालूँ इसे, और काफ़ी अच्छा लग भी रहा है। आप देख सकते हैं वहाँ नदी के किनारे पे पेड़ पौधे जो लगे हैं, बहुत काफ़ी खूबसूरत नज़ारा है। बीच में है नदी और इस साइड है जंगल, और मुझे लगा कि इस दृश्य को आप सभी को भी दिखाया जाए, आपसे परिचित करवाया जाए, और मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है ये यहाँ आकर। तो मेरे मन में उत्साह थी कि मैं यहाँ पर आके एक दो रील शूट करूँ, और तो मुझे लगा कि इस चीज़ को भी आप तक पहुँचाया जाए। आइए मैं आपको थोड़ा सा रूबरू करवाता हूँ इस चीज़ से। ये देखिए ये है नदी, और मैं जंगल की बात कर रहा था तो रोड के उस पार देखिए आप देख सकते हैं ये सारे पेड़ पौधे हैं। ये बस्ती ज़िला है, और बस्ती ज़िला में मेरा आज आवागमन हुआ है, तो मुझे लगा कि जब चलना है तो कुछ ना कुछ करके ही चलते हैं। और